भारत ने दिया रूस का साथ तो अमेरिका ने रोया मानव अधिकार का रोना। अब बंदूक कल्चर को बढ़ावा देने वाले देश भारत को दे रहे हैं ज्ञान। भारत बन रहा शक्तिशाली देश तो अमेरिका हो रहा है परेशान। हमारे महान देश भारत की सबसे विशेष खासियत यह है कि वो किसी एक पहचान का मोहताज नहीं है। भारत को किसी मुस्लिम बहुल देश की तरह हिंदू राष्ट्र नहीं कहा जाता। इसे अमेरिका की तरह पूंजीवादी देश होने की पहचान नहीं मिली। भारत की पहचान में कभी भी स्वार्थ नहीं छिपा है, और ये शायद इसलिए है क्योंकि भारत की आत्मा आजादी के मोल को जानती है। इसलिए किसी से किसी की आजादी छीन कर उसके अधिकारों का उल्लंघन करना भारत के स्वभाव में नहीं। लेकिन क्या हो जब सदियों तक बाहरी हुकूमत की प्रताड़नाओं को सहने के बाद भी भारत जैसे आत्मनिर्भर देश पर मानव अधिकारों के हनन का आरोप लगे तो? दरअसल अमेरिका ने एक बार फिर से भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए भारतीय मूल के अमेरिकी राजदूत रसद हुसैन ने IRF के वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए अल्पसंख्यकों, हिजाब बैन, घरों को बुलडोजर से गिराए जाने, नागरिकता कानून आदि मुद्दों पर भारत को घेरा। रसद ने कहा, इन सब मुद्दों को लेकर अमेरिकी अधिकारी भारत के संपर्क में रहे। समाचार एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक IRF के वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए हुसैन ने बताया, उनके पिता 1969 में भारत से अमेरिका आए थे और वो अब भी भारत में होने वाली घटनाओं पर नजर रखते हैं। अमेरिका ने उन्हें सब कुछ दिया, लेकिन वो भारत से प्यार करते हैं और वहाँ होने वाली प्रतिदिन की घटनाओं पर बारीकी से नजर रखते हैं। मेरे माता पिता और मैं वहाँ होने वाली घटनाओं पर बात करते हैं। इसके साथ ही रसद ने राजस्थान के उदयपुर में एक हिंदू दर्जी की हत्या का जिक्र करते हुए कहा, किसी भी समाज की भलाई के लिए हमें सबके अधिकारों को ध्यान में रखना होगा। हमारा काम दुनिया में हर जगह सभी लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना है। जरूरी है कि हम एक साथ काम करें और सभी लोगों के अधिकारों के लिए लड़े। अगर किसी पर हमला होता है या पहले कभी हमला हुआ है तो हमें उसकी निंदा करनी होगी। खैर, भारत अमेरिका से लगातार आ रही इस तरह की टिप्पणियों और रिपोर्टों को खारिज करता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पिछले महीने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसे भारत ने खारिज कर दिया। भारत ने उस दौरान कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। भारत ने अपनी प्रतिक्रिया में नस्लीयता और जातीयता से प्रेरित हमलों, घृणा अपराधों और अमेरिका में बंदूक की हिंसा पर चिंता व्यक्त की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।